दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बारी हमारे YouTube चैनल द मिडिल क्लास ट्रैवल में। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के अंदर महरौली में। तो एक बहुत ही फेमस जगह और एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है कुतुब मीनार। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे कुतुब मीनार के। अब हम लोग चलते हैं कुतुब मीनार से यहाँ बाहर, ऑटो रिक्शा लेंगे और मनीष से पूछते हैं कैसा लग रहा है उसको आज। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कुतुब मीनार देखने आया, मैं कभी नहीं आया था, बस सुना ही है। बाकी अगर आपको कुतुब मीनार घूमने आना है तो उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार के नाम से ही है, जो कि येलो लाइन पर है। तो आप यहाँ से रिक्शा लेके डायरेक्ट कुतुब मीनार जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना था, मिडिल क्लास ट्रैवल को फॉलो कर लेना। और हम लोग चलते हैं, अब यहाँ से ऑटो रिक्शा लेते हैं और डायरेक्ट पहुँचते हैं कुतुब मीनार। तब तक के लिए चलो। ₹20 सवारी है यहाँ से कुतुब मीनार डायरेक्ट। फाइनली दोस्तों, हम लोग कुतुब मीनार आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप पीछे ही देख सकते हैं टिकट काउंटर है। तो यहाँ पे टिकट का प्राइस ये है कि पर पर्सन व्यक्ति ₹40 किराया है, और जो ऑनलाइन लेंगे डेबिट कार्ड के द्वारा लेंगे उनको ₹35 देने पड़ेंगे, ₹5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग टिकट काउंटर के पास में ही लॉकर मिला हुआ है, जहाँ आप लोग अपने बैग जमा कर सकते हैं। और साथ में पीछे आप लोग देख सकते हैं कैंटीन भी दिया हुआ है, लॉकर भी दिया हुआ है, और सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और मिलते हैं आपसे कुतुब मीनार के अंदर। फाइनली दोस्तों, हम लोग कुतुब मीनार के अंदर आ चुके हैं। हम लोगों ने एंट्री ले ली है, और संडे का दिन है दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरे पीछे, और इतना क्राउड है, देखो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को दिखा दूँ मैं, ये देखो, तो दोस्तों हम लोग चलते हैं और घूमते हैं कुतुब मीनार। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना ब्लॉग। कुतुब मीनार के अंदर यहाँ मस्जिद के पास आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स बना रखे हैं इस मस्जिद में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही पुराने का समय के हैं, जो कि जब ये बनी थी। आप देख सकते हो इस पे जो चित्रकार हैं अलग ही डिज़ाइन के हैं, जो मंदिरों में भी दिखाए जाते हैं, हमारे मस्जिदों में भी। तो दोस्तों, जो ये पिलर्स बनाए गए हैं उसके अंदर इतनी बढ़िया तराशी करी गई है, जो आज भी ऐसे एज इट इज़ खड़े हुए हैं, जैसे कल ही बने हो, आज भी इतनी मज़बूती से खड़े हुए हैं। और दोस्तों, एक और ख़ासियत बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को इस मस्जिद की, इसके अंदर एक जो है लोहे का पिलर बनाया गया है, वो गुप्ता काल के अंदर बनाया गया था दोस्तों। और जो ये पिलर है दोस्तों, इसकी एक मिथ है कि इसके अंदर जंग नहीं लगती है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन मस्जिद है और पिलर है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं बैक साइड से वो पिलर और पूरी मस्जिद। तो तब तक के लिए बने रहना।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग कुतुब मीनार के एकदम करीब आ चुके हैं। आप लोगों को पीछे ही कुतुब मीनार दिख रहा होगा और इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हमारे विशेषज्ञ भाई मनीष बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कुतुब मीनार है इसका निर्माण 1193 में ऐबक ने करवाया था, जिसकी नींव ही रखी थी, और इसका संपूर्ण कार्य इसके दामाद यानी इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवा दिया था। तो ये जो मीनार थी क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई 72.5 है और इसमें जो सीढ़ियाँ थी वो है 380 सीढ़ियाँ। तो अभी 21वीं शताब्दी में क्या कहते हैं, पहले हम इसमें जाया भी जाता था, लोग ऊपर जाके फोटो वोटो और अंदर जाके जा सकते थे, पर अब लोग इसमें नहीं जाते क्योंकि बहुत सारे हादसे हो चुके हैं इसमें, तो इस वजह से अंदर जाना मना है। और क्या कहते हैं 1369 में क्या कहते हैं ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली मीनार में क्या कहते हैं बिजली के कारण वो गिर गई थी, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक उस टाइम के शासक थे, तो उन्होंने इसकी मरम्मत कराई थी। तो यही छोटी सी बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों कुतुब मीनार के अंदर एक और प्रसिद्ध छोटी कुतुब मीनार बनाने जा रहे थे, जो जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण वो अधूरी रह गई और उनकी कब्र जो है वो भी इसी के अंदर है, कुतुब मीनार के अंदर। तो वो आप लोगों को दिखाएंगे, जब तक के लिए बने रहना चैनल पे और वीडियो में और सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। चलो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कुतुब मीनार का प्रॉपर व्यू। फाइनली दोस्तों हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की कब्र के पास आ चुके हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं बैक साइड से व्यू और कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे।
फाइनली दोस्तों हम लोग इल्तुतमिश की कब्र पे आ चुके हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था, और अब हम लोग घूमते हैं इनका मकबरा और चलते हैं आगे की तरफ। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार के अंदर, जो है अलाई मीनार। तो अलाई मीनार जो अलाई मीनार थी ये खिलजी ने इसका निर्माण किया था। इसको क्या कहते हैं खिलजी, ये चाहते थे कि क्या कहते हैं कुतुब मीनार जो है उससे दो गुना बड़ी मीनार एक बनाई जाए, पर क्या हो सका कि खिलजी की मृत्यु होने के बाद इसका कार्य कोई कराया ही नहीं, तो जिस कारण इसका काम वहीं रुक गया और पूर्ण ही नहीं बन पाई अभी तक। दोस्तों ये 24.5 मीटर ऊंची बन पाई है, बस उससे ज़्यादा ये बन नहीं पाई। और ये अलाउद्दीन खिलजी थे वो ये चाहते थे कि मैं कुतुब मीनार से डबल इसको इतनी बड़ी बनाऊंगा, और इसका जो छोटा सा पार्ट है उसे ही देख के लग रहा है ये इतनी बड़ी है, और अगर बन जाती तो ये मिसाल बन जाती कुतुब मीनार से भी बड़ी। तो आप लोगों को दिखाते हैं और फिर चलते हैं बाहर की तरफ। तो ब्लॉग में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, द मिडिल क्लास ट्रैवल को फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने कुतुब मीनार जो है वो घूम लिया है, और अब धीरे धीरे हम शाम का वेट कर रहे हैं। और बहुत फेमस है यहाँ पे शाम का व्यू, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे शाम का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे घर की तरफ। तो हम लोग चल रहे हैं बाहर की तरफ और कुछ खाने पीने के लिए जा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत, कैंटीन जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग शाम का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। जब तक के लिए चैनल पर बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और तब तक के लिए आग लगा देना और मिलते हैं इंटरवल के बाद। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने कुतुब मीनार घूम लिया है, तो कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए द मिडिल क्लास ट्रैवल को फॉलो कर लेना। और मनीष कैसा लगा तेरे को घूम के? बहुत बढ़िया लगा, नाइट का व्यू बहुत ही प्यारा है। आप जरूर यहाँ पे नाइट में तो ज़रूर खास कर आएँ, दिन में आए ना आए पर नाइट में ज़रूर आएँ। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।